शाम भी खूब है पास। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, अभी स्टार्टिंग में आपने देखा तो ये स्टेटस ग्लो आर्ट के नाम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कुछ फ्रेंड्स मैसेज कर रहे थे कंटिन्यू कि इस तरह की ट्यूटोरियल लेकर आइए इस वीडियो का, तो फ्रेंड्स उसी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह के इमेज जो है आपको पिंटरेस्ट ऐप पे काफ़ी सारे इमेज मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे राधा कृष्ण मतलब कृष्णा का जो इमेज है उसका यूज करके बना रहा हूँ। आप और भी सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पर ग्लो आर्ट सर्च कीजिएगा तो काफ़ी सारे इमेज मिलेंगे, तो आपको जो भी सही लगे उसे ले लीजिएगा। इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो दोस्तों, पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने से पहले और एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, हम एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए चलेंगे पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो दोस्तों, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे कैंसिल करते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, इमेज साइज को जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे जो 1280 है स्टार्टिंग में है तो इसे क्लियर करके यहाँ पे 720 लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, और फिर डन कर दीजिएगा। डन करने पर कुछ इस तरह से आएगा, ओके कर दीजिएगा, तो ये 900 अगर रेस्यू में आ जाएगा। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे व्हाइट बैकग्राउंड लेना था तो मैंने नहीं लिया, तो क्या करते हैं प्लस का आइकन पे क्लिक करते हैं, एक शेप सेलेक्ट करते हैं और ये व्हाइट वाला जो है इसे हम जूम कर देते हैं पूरे स्क्रीन पे। इस तरह से थोड़ा और जूम करेंगे तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक कीजिएगा, और फिर से यहाँ पे जो फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो गैलरी ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ इमेज ले लेने हैं, जिस भी इमेज पर आप एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। इमेज लेने के बाद इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से क्रॉप कर देना है ताकि ये इस शेप में आ जाए, और इतना पे हम क्रॉप करके इसे यहाँ पे प्लस कर देते हैं, कुछ इस तरह से आया। इसे अब एडजस्ट करना है तो इसे हम नीचे की तरफ यहाँ पे सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। ये दूसरे साइड में घुमा हुआ है कृष्णा का जो इमेज है, इसलिए मैं इसे इस साइड में रखता हूँ। फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चलेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज ले लीजिएगा, जो भी इमेज आप लेना चाहें। तो चलिए इस इमेज को लेते हैं, फिर इसे भी थोड़ा सा इस तरह से क्रॉप करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, फिर इसे इस तरह से यहाँ पे इस कॉर्नर से सटा कर रख लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले इमेज को ले लीजिएगा, जो भी इमेज आप लेना चाहते हो उसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं इसे ले लेता हूँ, फिर इसे यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा क्रॉप करते हैं और यहाँ पे इसे मैं फ्लिप कर देता हूँ दूसरी साइड में, और इतना पे बराबर करके राइट क्लिक कर लेते हैं, फिर इसे भी इसके बराबर में करते हैं। यहाँ पे जितना बड़ा ऊपर वाले को हम रखेंगे उतना ही नीचे रख लेंगे तो सही रहेगा, तो इस तरह से रखते हैं। थोड़ा सा और जूम करते हैं और यहाँ पे इसे सेट करते हैं इस तरह से, फिर इसे भी इसी के बराबर में कर लेते हैं, थोड़ा इसे भी जूम कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इतना पे यहाँ सेट करते हैं और ये आ गया। ये वाला जो इमेज है उसके ऊपर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ जो डबल लेयर्स दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स ये वाली इमेज को ऊपर करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करके वेयरिंग फ्रंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला नीचे ही चला गया, तो इसे ऊपर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली इमेज को फिर से ऊपर करते हैं और फिर सबसे लास्ट वाले को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रख लीजिएगा, फर्स्ट इमेज के ऊपर सेकंड वाला इमेज रहेगा और सेकंड इमेज के ऊपर लास्ट वाला इमेज रहेगा, इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से रख लीजिएगा। तो ये वाला इमेज जो है सो थोड़ा ज़्यादा जूम लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आ गया, ये लास्ट वाला जो इमेज है थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है मतलब बड़ा लग रहा है, तो इसे भी हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा और इसे जूम कर लेते हैं, इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी रखना चाहे आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे इमेज आप देखे होंगे जो स्पेस के साथ यहाँ पे रखा हुआ मिलता है आपको। अब क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जो ए के बगल में ये सर्कल देख सकते हो गोला वाला, इस पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर हुई को भी आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो कलर आपको सही लगे उस कलर को रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इतना डन देता हूँ। यहाँ सेचुरेशन भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, सेचुरेशन आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो मैं ग्लो जितना पे कर रहा है उतना ही रहने देता हूँ। ब्राइटनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ब्राइटनेस थोड़ा कम करके ही रखिएगा तो सही लगेगा, और कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो ये लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा,
फिर हल्का नीचे कीजिएगा, स्टॉक को ऑन कीजिएगा और यहाँ पे कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसे एक दो पॉइंट, चार पॉइंट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे चार पॉइंट। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा, फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे शैडो का ऑप्शन आएगा, शैडो को ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो ब्लर का ऑप्शन है रेडियस, तो इसे थोड़ा कम कर देते हैं इस तरह से, और ऑफसेट को चार पॉइंट बढ़ा देते हैं और नीचे वाले को भी चार पॉइंट बढ़ा देते हैं। फिर राइट क्लिक कर लेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे इसका कलर फिल्टर में चलते हैं और कॉन्ट्रेस्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा कम करते हैं, सेचुरेशन को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। सेचुरेशन सही था उसे हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, और हुई को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो इसका हुई भी सही है तो मैं रहने देता हूँ, हुई को भी कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे ये जीरो में कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और कंट्रेस्ट को आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए, तो मैं इतना रहने देता हूँ। देन राइट क्लिक करते हैं, फिर स्टॉक को ऑन करते हैं, स्टॉक इनेबल करके यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, शैडो में जाएंगे, शैडो इनेबल करेंगे और ब्लर रेडियस जो है इसे हम थोड़ा कम करते हैं, ऑफसेट को चार रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और फिर नीचे वाले को भी चार कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ शैडो को इनेबल करते हैं, ब्लर को थोड़ा सा कम करते हैं, ऑफसेट को फोर करते हैं, नीचे वाले को भी फोर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, स्टॉक को भी सिलेक्ट करेंगे, इनेबल करेंगे, ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, इसे भी चार रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर फिल्टर में जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसका कलर रख सकते हैं, कॉन्ट्रेस्ट थोड़ा बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस भी इसका थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अब हुई आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तो ये वाला सही लग रहा है, लाइटेबल लग रहा है। अब राइट क्लिक कीजिएगा, फिर ऊपर सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे जो जेपीईजी है तो इसे पीएनजी कर लीजिएगा और कस्टम पे क्लिक करके फिर यही कर लीजिएगा, तो आपका जो गैलरी में आप सेव करेंगे इमेज वो काफ़ी हार्ड रहेगा, तो यहाँ सेव टू गैलरी करेंगे, इमेज यहाँ से सेव हो जाएगा। हम चलेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन पे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन यहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, 900 का रेसो सेलेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी जो आप इमेज सेव किए पिक्सल ऐप से, तो पिक्सल ऐप में जाना है, उस वाले इमेज को यहाँ पे सेव कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से आ जाएगा। इमेज को स्क्रॉल करके आप जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे राइट क्लिक करना है, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप करना है, स्टिकर में जाना है, यहाँ पे दो ठो इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है। जब ये वाला बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहीं पे मिल जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, क्रिकल ब्रस्ट और रिफल करके रोटो करके यहाँ पे मिल जाता है, तो इस तरह का इफेक्ट काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको जो भी सही लगे उसे ले लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, रोटो वाला जो आप अगर लेते हैं तो ये कंटिन्यू चलते रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू आते ही जा रहा है, बट क्रिकल ब्रस्ट लेते हैं तो ये एक बार आता है और फिर रुक जाता है, बस इसके बाद नहीं आएगा। तो सेकेंड बार के लिए आपको क्या करना है, आगे जाकर यहाँ पे कट करना है, तो आप सोच लीजिएगा आपको कौन सा लेना है। तो मैं यहाँ पे रोटो वाला ले लेता हूँ ताकि रिपीट होकर आता रहे, बार बार मुझे ना देना पड़े, तो इसे लेंगे, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे और इसके स्क्रॉल करके इसके लेंथ को पूरा लास्ट तक कर देंगे। फिर सेकेंड के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इसे स्क्रॉल करके दूसरे वाले पे लेके आएंगे, ऊपर जो ये वाला बॉक्स दिख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे और इसे चेंज कर देंगे, मतलब आप दूसरा वाला ले लेंगे जो भी आपको सही लगे। फिर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, इसका थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लीजिएगा, इसे भी स्क्रॉल करके लास्ट वाले पे लेकर आते हैं और यहाँ पे फिर से क्लिक करके इसे रिप्लेस कर देते हैं। आप क्रिकल वाला भी ले सकते हो बट इसे चेंज करना पड़ेगा, बार बार आपको कट करना पड़ेगा, तो इसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक कर देते हैं। फिर सभी जब इसे प्ले करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है कुछ इस तरह से, ये ऑटोमेटिक ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही रिपीट हो रहा है। अब आप देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियो में, कुछ वीडियो में कहीं पे यूजर नेम लिखा हुआ था, कुछ में लैरिकल्स आ रहा था, तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो लैरिक्स वाला ही है। अब टेक्स्ट वाला है तो खुद से यहाँ लेयर्स पे क्लिक करके टेक्स्ट लिख सकते हैं, यार आपके पास कोई लोगो वगैरह हो तो आप उसे भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लैरिक्स लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स लेयर्स पे क्लिक करने के बाद मीडिया का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है, और फ्रेंड्स जो भी लैरिक्स वीडियो आप डाउनलोड करेंगे तो वो वीडियो आप डाउनलोड करेंगे ब्लैक टेक्स्ट वाला जो होता है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो यूट्यूब पर मिलता है, तो उस तरह का, तो आप जो भी स्टेटस बना रहा है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मेरे पास तो अभी कुछ खास है नहीं, तो तब तक के लिए मैं बॉलीवुड का ही कोई सॉन्ग है ये, इसे ले लेता हूँ। और फ्रेंड्स थोड़ा आगे करते हैं यहाँ पर, और ये टेक्स्ट जो दिख रहा है तो टेक्स्ट को आपको किसी एक सर्कल में यहाँ पर रख लेना है,
ठीक है। रखने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग वाले पे क्लिक करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है और राइट क्लिक करना है। तो फिर सीसी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं ठीक है। तो इसे थोड़ा और इस साइड में स्क्रॉल करते हैं ताकि बीच में रहे। अब आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है, इसके बाद स्टार्टिंग में आना है, लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है और सिंपली आपको डाउनलोड में चले जाना है। तो फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे एक तो पार्टिकल वीडियो मैंने दिया था, उस वीडियो को आपको सिंपली ले लेना है। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं मैंने ले लिया। ट्रिमर के बगल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे फुल स्क्रीन कीजिएगा, देन यहाँ से बैक आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिए, बैक आ जाएगा, फिर इसके लास्ट में आइएगा, जितना भी कम रहा होगा ज़्यादा हो रहा होगा तो थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, डुप्लीकेट कीजिएगा और इसे आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ा देना है ठीक है। तो ये दोनों एकदम बराबर बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बराबर, ये थोड़ा आगे चला गया तो इसे थोड़ा सा हम इस साइड में करते हैं, अब ये बराबर है। अब लाइडिक्स वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, इसी के बराबर में आकर बैकग्राउंड वाला जो इमेज है सेलेक्ट करके ट्रिमर पे क्लिक कीजिए, टर्म टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए, अब ये एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपका एडिटिंग जो है सो इस तरह से आएगा ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, आप सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करना सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए।